एक कोई वेट मेजरमेंट करते हो यार, वेट मेजरमेंट करते हो और उस वेट मेजरमेंट में मास और वॉल्यूम में इतना एक्चुअल मास है, इतना वॉल्यूम है, तो ये कहता है सर्टेन वेट पॉसिबल एरर। अब इसमें जो मेजरमेंट है एक्चुअल एरर इतना आ गया, तो ये जो एरर आया वो डेल्टा एम है। डेल्टा एम कितना आया? 0.0 एब्सोल्यूट एरर आया इसमें, ठीक है। और ये डेल्टा डेल्टा वी वॉल्यूम एरर आया, कितना आया? 0.1। और एक्चुअल जो मास था वो कितना था? वहां पे दिया हुआ 22.42 ग्राम, और एक्चुअल जो वॉल्यूम था वो 4.7 cc था। तो ये पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं यार? तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं ना, मास ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी इसको मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये आप परसेंटेज एरर इसमें निकालोगे तो डेल्टा जो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेल्टा एम अपॉन एम और प्लस डेल्टा वी अपॉन वी और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। ये अब डेल्टा या ये जो एरर आया है वो आपको, ये वाली जो एरर है वो एब्सोल्यूट एरर है, वो दी हुई है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एम है और डेल्टा एम की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना है? 0.01। और एक्चुअल एम कितना है? 22.42 ग्राम। प्लस डेल्टा वी कितना है यार? डेल्टा वी है 0.01, ठीक है, और ये 0.7। वैसे भी कभी 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 मान लो ये वैल्यू नहीं दी रहती, कभी कभी ये वैल्यू नहीं दी रहेगी, समझ रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। ये अगर गायब कर देता है तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम मेजरमेंट है, ये लिस्ट काउंट की तरह बिहेव करता कभी कभी, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट इसका हो गया 0.001, इसका लिस्ट काउंट 0.01, ठीक है। तो ये अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, देखना इसको कितना आता है। इसकी कैलकुलेशन के बाद 2% आएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना इसको, ये 2% आएगा।